मेरा पहला वीडियो को आप लोग इतना सारा प्यार दिए, इसलिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही प्यार देते रहिए। तो मैं आज बनाऊंगी बंगाल का एक ऑथेंटिक डिश, प्रॉन मलाईकारी। आप लोग तो प्रॉन बहुत तरीके से खाए होंगे, बट इसको जरूर ट्राई कीजिएगा प्लेन राइस के साथ, क्योंकि इसका टेस्ट है सबसे हटके लाजवाब। तो चलिए देखते हैं कैसे बनाते हैं प्रॉन मलाईकारी। इसके लिए लगेगा गरम मसाला, चीनी, टमाटो, कोकोनट मिल्क, ऑनियन, जीरा पाउडर, हल्दी पाउडर, दालचीनी, तेजपत्ता, कश्मीरी मिर्च पाउडर, ग्रीन चिली, रेड चिली, लौंग, इलायची और जीरा। ये है अदरक पेस्ट और लहसुन का पेस्ट। मैं प्रॉन ली हूँ 800 ग्राम। अभी इसमें नमक और हल्दी लगा रही हूँ। मैं स्टिक यूज़ कर रही हूँ क्योंकि फ्राई होने के बाद प्रॉन सीधा रहेगा। ये ऑप्शनल है, आप लोग यूज़ नहीं करने से भी चलेगा। मस्टर्ड ऑयल यूज़ कर रही हूँ। आप लोग व्हाइट ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मस्टर्ड ऑयल में इसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा होता है। प्रॉन का क्वांटिटी के हिसाब से ऑयल यूज़ कीजिएगा। तेल गरम हो चुका है, अभी मैं प्रॉन को फ्राई कर लूँगी। हाई फ्लेम यूज़ करना है, प्रॉन को ज़्यादा नहीं फ्राई करना है, 1 मिनट तक फ्राई करके उठा लेना है। फ्राई हो गया है, अभी मैं उठा दे रही हूँ। तेल को मैं यूज़ कर रही हूँ, 6 टेबलस्पून ली हूँ। इसमें मैं 2 तेज पत्ता दे रही हूँ, इलायची और लौंग दे रही हूँ 3-4 टुकड़े दालचीनी, 2 रेड मिर्च और 1 टीस्पून जीरा। मीडियम फ्लेम यूज़ करना है और इसको थोड़ा फ्राई करना है। इसका जब एरोमा आ जाएगा तब देना है चॉप्ड ऑनियन। मैं 2 बड़ा साइज प्याज ली हूँ। प्याज को गोल्डन कलर होने तक फ्राई करना है। गोल्डन कलर हो गया है, अभी दे रही हूँ 1 टेबलस्पून अदरक पेस्ट, 1 टेबलस्पून लहसुन का पेस्ट। मसालों को भूनना है। मसाला में तेल छोड़ दिया है, अभी मैं दे रही हूँ टोमेटो। टोमेटो भी ली हूँ 2 बड़ा साइज। इसको भूनना है जब तक प्याज और टोमेटो पिघल ना जाए। अभी दे रही हूँ 1 टेबलस्पून गरम मसाला, 1 टेबलस्पून जीरा पाउडर, 1/2 टेबलस्पून हल्दी का पाउडर, 1 पिंच शुगर और 1 टेबलस्पून कश्मीरी मिर्च पाउडर। मसालों को भूनना है, मीडियम फ्लेम यूज़ करना है। अभी मैं थोड़ा थोड़ा कोकोनट मिल्क यूज़ करूँगी। कोकोनट मिल्क आप लोग रेडीमेड भी ले सकते हैं या घर में भी बना सकते हैं। अगर ये मिल्क अवेलेबल नहीं है तो आप लोग कोई भी दूध ले सकते हैं। मसालों को ऐसे ही भूनना है 2-3 मिनट के लिए। देखिए मसाला पक गया है, अभी स्वाद अनुसार नमक ऐड कर रहे हैं। पहले से प्रॉन में नमक दी हूँ इसलिए थोड़ा कम देना है, इसमें बाद में एडजस्ट कर सकते हैं। अभी मैं प्रॉन को दे रही हूँ मसाला में, इसको 2-3 मिनट तक पकाना है। कोकोनट मिल्क आप लोग घर में बना सकते हैं। इसके लिए नारियल को ग्राइंडिंग में थोड़ा ग्राइंड कर लीजिए, आधा घंटा गर्म पानी में भिगो के रखिए, उसके बाद उसका मिल्क निकाल लीजिए।
अभी मसाले के साथ प्रॉन को थोड़ा भूनना है 2-3 मिनट के लिए। मीडियम फ्लेम यूज़ करेंगे। 2-3 मिनट हो चुका है, अभी मैं कोकोनट मिल्क यूज़ करूँगी। मैं 300 ml कोकोनट मिल्क ली हूँ। आप लोग प्रॉन के क्वांटिटी के हिसाब से कोकोनट मिल्क यूज़ कीजिएगा। इसका ग्रेवी थोड़ा थीक होने से ही अच्छा लगता है। अभी मैं हाई फ्लेम में इसको पकाऊंगी 5 मिनट के लिए। पाँच मिनट हो गया है, अभी ग्रीन चिली ऐड कर रही हूँ। ग्रीन चिली ऐड करके इसको ढक के और 5 मिनट पकाना है। हो गया है, लगभग ये कंप्लीट है। अभी फ्लेम ऑफ करके 1/2 टेबल स्पून गरम मसाला और 1 टेबल स्पून घी ऐड करना है। फ्लेम ऑफ करके इसको ढक के 10 मिनट रखना है। देखिए रेडी हो गया है प्रॉन मलाई करी। देखने में भी कितना सुंदर लग रहा है। अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।